चखो, कई बार लोग अनार की वैरायटी ले लेते हैं, लेकिन जो कई बार जो अनार आता है उस पे, वो अंदर से वाइट निकलता है। उसके बारे में मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि ये जो अनार की वैरायटी है, ये अंदर से लाल ही निकलेगा। ब्रांड आलू बुखारा देखिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि काफी कम नर्सरी में मिलता है। ये बताना चाहूँ, जितनी भी वैरायटी में दिखा रहा हूँ सारी आपकी ग्रेपफ्रूट में होंगी। ये आपके नींबू है, कौन सी वाली वैरायटी है ये आपकी है? जो आपका कागजी नींबू बोलते हैं, पतले छिलके वाला, जो आपको नॉर्मल बाजारों में मिलता है। okay. वो वैरायटी ये फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है इसमें। जैसे कि भैया ने बताया कि फ्रूट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके सामने एग्जांपल है, फ्रूट भी आ रहे हैं, फ्रूट्स स्टार्ट हो रखे हैं। अमरूद में कितनी वैरायटी है आपके पास? अमरूद में मेरे पास 3-4 वैरायटी मिल जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलवा चले, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, काफी टाइम से कमेंट आते थे कि हमें फ्रूट प्लांट दिखाए जाएं, तो अभी तक क्या था, कई सारी नर्सरी में गाड़ी वगैरह नहीं आई थी, प्लांट की थोड़ी सी वैरायटी कम थी। लेकिन आज क्या है, यहाँ पर गाड़ी आ गई है, अभी मैं हूँ चेतराम नर्सरी में, तो यहाँ पे काफी सारी वैरायटी आई है फ्रूट प्लांट की, वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? फ्रूट प्लांट में अभी कौन कौन से प्लांट आए हुए हैं आपके पास? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास सारी वैरायटी अवेलेबल है, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वो सारी वैरायटी ग्राफ्टेड वैरायटी, सारी वैरायटी दिखाऊंगा मैं आपको। वैरायटी सारी अच्छी होंगी, कोई भी ऐसी नहीं होगी जो आपको लगे कि खराब वैरायटी है, जो भी है सारी हेल्दी वैरायटी होगी। सारी कितने तरह के आपके फ्रूट प्लांट है? फ्रूट्स वैरायटी में 15-20 वैरायटी मिल जाएंगी, जो अभी हम मिल जाएंगी आपको अवेलेबल। बाकी वैरायटी बहुत होती है, आगे मिलती रहेंगी। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट में स्टार्टिंग कितने रुपए से है? स्टार्ट जो है मेरे पास 50 रुपए से हो जाती है ग्राफ्टिंग में, बाकी रेंज अलग अलग है साइज के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट छोटा बड़ा अलग। सर, हमारे व्यूअर्स को आप अपना एड्रेस भी बताइए, यहाँ पे विजिट कैसे कर सकते हैं? विजिट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, नियर बाय मेट्रो स्टेशन तिलानगर पड़ेगा, तो तिलानगर मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से आप 20 रुपए में रिक्शे से यहाँ पर आ सकते हो आराम से। ओके, तो फ्रेंड्स, जो चेतराम नर्सरी का एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप इजीली विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे ऐसी गार्डनिंग वीडियो अपलोड होती है, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे जरूर फॉलो करिए। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अंशुल जी, आज कहां से स्टार्टिंग करेंगे? सबसे पहला प्लांट आप कौन सा दिखाने वाले? पहले मैं दिखाने वाला हूं आपको ये गुआवा। तो फ्रेंड, अमरूद आ चुका है आपके सामने, देखिए ये ग्राफ्टेड है या नॉन ग्राफ्टेड? नहीं, ये आपको मिलेगा ग्राफ्टेड में। ग्राफ्टेड भी दो तरीके की हो जाती है, एक तो ग्राफ्टिंग जो बीच में से लेयरिंग करके करी जाती है, ग्राफ्टिंग प्लांट को डायरेक्ट लगा दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपको नॉर्मल ग्राफ्टेड वाला ही प्लांट है ये अमरूद, इस पे इतने प्लांट पे फ्रूट स्टार्ट हो जाता है लगना। ओके, और मैं इसकी हाइट बताना चाहूंगा फ्रेंड्स आपको, ये लगभग 2 फुट का प्लांट है, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि पॉट भी साथ में दे रहे हैं। पॉट का साइज? वैसे पॉट के साथ लोगे तो पॉट का वैसे फायदा नहीं, अगर किसी के घर पे जैसे पोर्ट वगैरह नहीं लगा सकते, वो पोर्ट को ले सकते हैं। okay. जैसे विदाउट पोर्ट लोगे तो उस हिसाब से रेंज वगैरह का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो प्राइसिंग क्या रहेगी? प्राइस इसका पोर्ट के साथ आपको मिल जाएगा 100 रुपए का। okay. और विदाउट पोर्ट मिल जाएगा आपको 50 रुपए में ये। अच्छा, हाँ, तो फ्रेंड विदाउट पोर्ट ही ले लीजिए, 50 रुपीज में आपको मिलने वाला है, देखिए बहुत ही बढ़िया। तो इसमें आपको फ्रूटिंग भी दिखाना चाहूंगा, ये देखो फ्रूटिंग हो रही है, कुछ कुछ प्लांट पे फ्रूटिंग भी है, ये देखो फ्रूटिंग हो रखी है। देखिए फ्रेंड, तो जैसे कि भैया ने बताया कि फ्रूट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके सामने एग्जांपल है, फ्रूट भी आ रहे हैं, फ्रूट्स स्टार्ट हो रखे हैं। अमरूद में कितनी वैरायटी है आपके पास? अमरूद में मेरे पास 3-4 वैरायटी मिल जाती है। रेड अमरूद मिल जाएगा इसमें, जिस जो आपको मैंने ग्रीन अमरूद दिखाया है इसमें रेड वाला ही मिल जाएगा। एक इसमें चाइना अमरूद और आता है, जो छोटा पत्ता होता है, छोटा अमरूद है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसमें। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आलू बुखारा का प्लांट, देख सकते हो। हाँ जी, आलू बुखारा फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप आलू बुखारा के प्लांट, मेरे पास और भी प्लांट रखे हैं अच्छे अच्छे। ये देखो, ये आलू बुखारा का प्लांट है, ये देखिए, ये आपको ग्राफ्टिंग में मिलेगा आलू बुखारा का प्लांट। इस पे जो फ्रूटिंग है वो इतने प्लांट से स्टार्ट हो जाती है, और इसमें आपको जो जैसे लोग काफी लोग बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है तो उनको फ्रूट चाहिए, तो वो ये ग्राफ्टेड वैरायटी लेना ले सकते हैं यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड आलू बुखारा देखिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि काफी कम नर्सरी में मिलता है, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था यहाँ पे फ्रूट की कई सारी वैरायटी मिल जाती है, तो आलू बुखारा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइसिंग क्या रहती है? प्राइस जो इसका मिलेगा आपको 100 रुपए का। 100 रुपए का फ्रेंड, 100 रुपए में आपको ग्राफ्टेड आलू बुखारे का प्लांट मिल जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट लेकर आया हूँ आपके लिए जामुन का प्लांट। जामुन भी आ चुका है? जी, जामुन में आप देख सकते हो, ये आपको ग्राफ्टेड
ग्राफ्टेड में मिलेगा। ये देखो ग्राफ्ट कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ग्राफ्टेड कई तरीके से होती है, तो आपको कई लेयरिंग की होती है, कई विदाउट लेयरिंग की होती है। तो ये उसमें से देखो लेयरिंग की ग्राफ्टेड कर रखी है जामुन, एयर लेयरिंग कर रखी है फ्रेंड्स। यहाँ पे जामुन का प्लांट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, हाइट में बता दूं 1 से 1.25 फुट का ये प्लांट है। कितने रुपए का आएगा ये? आपको मिलेगा 60 रुपए का। 60 रुपए का। तो ये जामुन कौन सा वाला है, छोटे वाले? नहीं, बड़े वाले। ये जो बड़े वाला जामुन आता है वो है ये वाला। अच्छा फ्रेंड्स, 100 रुपए में आपको जामुन मिलेगा बड़े साइज का। इसमें लेकर आया हूँ आपके लिए संतरा का प्लांट, ये देख सकते हो। हाँ जी, संतरे का प्लांट। संतरे का प्लांट में ये आप देख सकते हो, इसकी लीफ भी अलग डिजाइन की हुई है, ये देख सकते हो। कई लोग शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है, देख सकते हैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, जैसे मौसमी और संतरे का प्लांट, इसमें ये डिफरेंस होता है, उसकी जो लीफ होती है उसमें लीफ ऐसे सेम लगता है देखने में। जब तक आप लीफ नहीं देखोगे इसकी, तब तक फर्क पता ही लगेगा उस मौसमी और संतरे में क्या फर्क होता है। अच्छा, ये देख सकते हो लीफ होंगी वो थोड़ी डिफरेंट होती है हमारे सामने। कई लोग मौसमी को ही संतरा समझ लेते हैं, तो वो मैं बताना चाहूंगा कि लीफ में थोड़ा फर्क होता है संतरा और मौसमी के प्लांट में। बाकी मैं ये आपका ग्राफ्टेड प्लांट है संतरे का, बाकी फ्रूटिंग जो है वो इतने प्लांट से स्टार्ट हो जाती है इसमें आनी। हाँ जी, और बिल्कुल बढ़िया। क्या प्राइसिंग रहेगी आपके? इसका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा 80 रुपए का। 80 रुपए। तो फ्रेंड 80 रुपए में आपको ग्राफ्टेड संतरा यहाँ पे मिलने वाला है। हाइट बताऊंगा 1 से 1.25 फुट का ये प्लांट है, बाकी हाइट के अकॉर्डिंग प्राइस अलग अलग हो जाते रहेंगे। ये स्टार्टिंग वाली रेंज भैया ने बताई है जो की आपके सामने। नेक्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ आपको मौसमी का प्लांट। ओके, मौसमी में आप देख सकते हो ये इसकी तना भी काफी अच्छा है और ग्राफ्टेड में है ये। इसमें आपको इतने भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है यानी। ओके, बाकी प्लांट बहुत अच्छा है, हेल्दी प्लांट है। ये आपको सिर्फ मिलेगा 120 का, 120 रुपए में। हाँ जी, 120 रुपए फ्रेंड आपको लगभग 2 फुट का प्लांट यहाँ पे मिलने वाला है मौसमी का। जितनी भी मैं आपको ये बताना चाहूँ, जितनी भी वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ सारी आपकी ग्राफ्टेड में होगी, सारी कोई आपको विदाउट ग्राफ्टेड नहीं मिलेगा, सारी वैरायटी अच्छी मिलेंगी मेरे पास। दिखाने वाला हूँ आपको अंजीर प्लांट। अंजीर में आप देख सकते हो ये फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है इसमें। बाकी प्लांट की जो हाइट है वो 1.5 से 2 फुट है, आपको ये पोर्ट में लगा हुआ ग्राफ्टेड प्लांट है और काफी लोग कुछ यूनिक मान लेते हैं अंजीर प्लांट को, तो बहुत अच्छा प्लांट है अंजीर भी लगाना। और बाकी इसके बेनिफिट जानते हुए आप ये कितने का देने वाले? ये आपको मिलेगा सिर्फ 100 रुपए में। 100 रुपए में फ्रेंड्स आपको विद पॉट अंजीर यहाँ पे मिल जाएगा। हाइट जो भैया ने बताई है लगभग 2 फुट की इसकी हाइट है। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको नींबू का प्लांट। नींबू का प्लांट आप देख सकते हो ये कितने सारे इस पे फ्लावर लगे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड देखिए आपके सामने है नींबू, इस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे नींबू हैं जिसके साइज धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी आपके नींबू हैं। कौन सी वाली वैरायटी है ये आपकी? है जो आपका कागजी नींबू बोलते हैं, पतले छिलके वाला जो आपको नॉर्मल बाजारों में मिलता है। ओके, वो वैरायटी। इसमें एक और वैरायटी आती है जिसका मोटा छिलका मोटा नींबू होता है, बट वो इसके मुकाबले में कम अच्छी होती है क्योंकि उसका जो मोटा छिलका होता है उसकी वजह से उसका साइज बड़ा होता है लेकिन उसमें रस वगैरह नहीं निकलता। ये जो वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको ये पतले छिलका है, रस बहुत अच्छा होगा निकलेगा इसमें आपको। ओके, और ये कितने का मिलेगा? ये आपको मिलेगा 150 में। 150 में पॉट देंगे साथ में? बिल्कुल, साथ में पॉट लगा हुआ है 150 के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका प्लांट है जिसपे फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं। प्लांट की हाइट लगभग 2 फुट की है और जो पॉट है पॉट का साइज क्या रहेगा भैया? पॉट का साइज अलग अलग साइज है, वो तो ऐसा है पॉट का साइज से डिपेंड नहीं है, आपको तो रिपोर्टिंग ये करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल हम तो लगाते हैं कि थोड़ा सा ग्रो कर जाए उसमें, बाकी आपको रिपोर्टिंग करोगे तो और अच्छे खिलकर आएगा आगे। जैसे कि अमरूद की वैरायटी मैंने आपको दिखाई थी, अमरूद में मैंने आपको बताया था कि वैरायटी बहुत सारी है मेरे पास, तो मैं आप नेक्स्ट वैरायटी दिखाने वाला हूं आपको चाइना अमरूद। चाइना अमरूद, बिल्कुल चाइना अमरूद आप देख सकते हैं इस पे फ्लावरिंग देखो कितनी सारी हो रही है। ये देखो फ्लावरिंग देखो इस पे, फ्रूट्स भी आपका चाइना अमरूद का जो साइज होता है वो थोड़ा मिनी साइज होता है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होगा। ये आपका रेड अमरूद है, अंदर बाहर की ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो आप कितनी सारी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है इस पे। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों हो रही है इसके ऊपर। और हाइट बताऊं फ्रेंड ज्यादा नहीं, 1 फुट की हाइट है इसकी। इस पे फ्रूटिंग देखो, ये फ्रूट्स है खा सकते हैं ना भैया? बिल्कुल आराम से खा सकते हो। इसका जो साइज है नॉर्मली होता है, छोटा साइज ही होता है, इसका अंदर बाहर दोनों तरफ लाली होता है इसका। ओके बिल्कुल। और ये कितने का प्लांट है? ये वाला आपको मिल जाएगा 120 का, 120 रुपए। तो फ्रेंड 120 रुपए में आपको देखिए कितना बुशी प्लांट मिल रहा है, फ्रूटिंग भी है और फ्लावरिंग भी है और पॉट भी आपको साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें मेरे पास, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वैरायटी दिखाई थी अमरूद की, उसी वैरायटी में मेरे पास रेड वाला ही मिल जाएगा जो नॉर्मल थाई वाला बोलते हैं, जो मैंने आपको अमरूद की वैरायटी, बट वो अभी थोड़ा सा प्लांट आने हैं मेरे, आपको मिल जाएंगे लेकिन आगे जाके। दिखाने वाला हूँ आपको चीकू का प्लांट। ये देखिए फ्रेंड, तो चीकू तो सबका फेवरेट है, हर पर्सन जो भी फ्रूट प्लांट लवर है अपने यहाँ पे चीकू जरूर लगाता है। तो यहाँ पे देखिए चीकू मिल रहा है और इस पे फ्रूटिंग भी हो रखी है। और हाइट बताना चाहेंगे लगभग 1.5 से 2 फुट का प्लांट है। कितने रुपए का आएगा ये वाला? आपको मिलेगा 150 में, 150 रुपए। बिल्कुल, अगर आप इसका साइज के ऊपर से डिपेंड भी करता है कि 100 तक भी मिल जाता है, मतलब हाइट बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको मिलेगा 150 में, 150 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड ग्राफ्टेड है, प्लांट बहुत अच्छा है, हेल्दी प्लांट है और फ्रूटिंग भी हो रही है। फ्रूटिंग भी हो रही है। आने वाला हूँ आपको अनार का प्लांट।
बहुत ही अनार के प्लांट में आप देख सकते हो ये ग्राफ्टेड प्लांट है, बाकी वैरायटी बहुत अच्छी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार लोग अनार की वैरायटी ले लेते हैं लेकिन जो कई बार जो अनार आता है उस पे वो अंदर से वाइट निकलता है, उसके बारे में मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि ये जो अनार की वैरायटी है ये अंदर से लाल ही निकलेगा। अच्छा। बाकी वैरायटी मेरे पास वो भी है जो अंदर से वाइट होती है, बट वो मैंने आपको लेना चाहे तो ले सकते हो, वैरायटी जो अच्छी है वो मैंने आपको दिखाई है। इसका जो प्राइस है वो 150 में आपको मिलेगा, हाइट भी अच्छी है इसकी और हेल्दी भी प्लांट है, 2 फुट की हाइट है और काफी अच्छा बुशी प्लांट है आपके सामने, रेड वाला है ये। व्हाइट वाले की प्राइसिंग अलग रहती है, सेम रहती है? नहीं, वो सस्ता आता है, वो सस्ता आता है, वो 50 से 60 के बीच में आपको मिल जाएगा, 50 से 60 रुपए में अनार आपको मिल जाएगा व्हाइट वाला। मैं वाला हूँ आप ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी। ओके, मैंगो में मेरे पास 3 वैरायटी आती है, मैं फर्स्ट तो दिखाऊंगा मैं आपको ऑल टाइम मैंगो दिखाने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं बारहमासी आम। इसमें कोई टाइम नहीं होता बारहमासी आम का, ये हमेशा फ्रूटिंग देता रहता है पूरे साल भर। अच्छा, ठीक है। बाकी मैं जो बताना चाहूंगा आपको, ये ग्राफ्टेड में है और इसकी जो हाइट है, हाइट मोस्टली ज्यादा नहीं बढ़ती है, नॉर्मल हाइट तक बढ़ता है ये, और फ्रूटिंग इतने पे स्टार्ट होती रहती है। बहुत अच्छा प्लांट है, कई लोगों को ये होता है कि जैसे वेट नहीं करना होता फ्रूटिंग के लिए, तो वो बोलते हैं हमें बारहमासी आम दे दो तो जाके फल आता रहे, आता रहे। तो वो चीज है, उसी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। वैरायटी बहुत अच्छी है इसका, हेल्दी प्लांट है तो आपका फ्रूटिंग पूरे साल करता रहेगा। ठीक है, और ये कितने का आने वाला है? बाकी इसका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा 180 का, 180 रुपए में। बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूंगा साथ ही साथ कि अगर आपसे जैसे ग्राफ्टेड प्लांट लेके जाते हैं फ्रूट्स के, तो एक सुटेबल हमारे को प्लांटर बताइए कि क्या साइज का हमें प्लांटर इसमें लगाना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल साइज इसमें लेना चाहते हो तो जैसे आपका 14 इंची 16 इंची। अच्छा। बाकी नॉर्मल ऐसा है, लोगों के घर के हिसाब से भी है। जैसे आप ये बारहमासी आम है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्यादा हाइट में नहीं जाता है, नॉर्मल हाइट तक रहता है, तो इसके लिए नॉर्मल ड्यूरेबल जस्ट 14 इंची लगा लो, 16 इंची लगा सकते हो इसके लिए, वो डिपेंड भी कर जाता है। एवरेज हम लेके चले तो 14 से 16 इंच में आप लगा सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, बेटर है ग्रोथ के लिए। बाकी जगह का भी हिसाब होता है लोगों का, जैसे किसके पास जैसी जगह हो उसके हिसाब से वो उसके हिसाब से गमला लगा सकते हैं। अगर हम 14-16 लगाते हैं तो ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल इतना तो लगाना ही चाहिए प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट दिखाइए कौन सा है। बाकी मैं अगला दिखाने वाला हूँ आपको नॉर्मल दशहरी आम आ चुका है फ्रेंड्स आपके सामने, ये देखिए ये आपका ग्राफ्टेड में है दशहरी आम, बहुत ये बट ये बारहमासी आम नहीं है। हाँ, दशहरी का तो सीजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दशहरी पे एक बार सीजन आता है। बाकी मैं वैरायटी, जैसे कि आपने बताया, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दिखाने के लिए इसलिए मैं आपको सारी वैरायटीज कवर करा रहा हूँ इसमें। ये ग्राफ्टेड है, ये आपका ग्राफ्टेड है तो फ्रूटिंग जो है वो इतने पे स्टार्ट कर देगा। अच्छा बिल्कुल, लेकिन साल में एक बार सीजन आता है, वो ही बात। ये कितने का मिलेगा भैया? ये आपको मिलेगा 100 रुपीज में, 100 रुपए में। फ्रेंड आपको दशहरी आम अगर लगाना चाहते हैं ग्राफ्टेड तो यहाँ मिल जाएगा। हाइट में बताऊँ आपको, लगभग 2 से 2.5 फुट की इसकी हाइट है और ग्राफ्टिंग भी इस पे हो रखी है। इसमें दिखाने वाला हूँ ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है ये भी। Okay. ये देख सकते हो हाइटेड उसी की तरह ही है, बट वैरायटी में थोड़ा फर्क है। इसकी लीफ देख सकते हो। हाँ। उसकी लीफ जो है वो थोड़ी हल्की छोटी साइज में है, इसकी बड़ी है, जैसे नॉर्मल दशहरी आम की होती है। हाँ, तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये आपका ऑल टाइम मैंगो दशहरी, इसमें भी बारहमासी आम ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, और हाइट इसकी भी लगभग 2 फुट नॉर्मल। बिल्कुल, हेल्दी प्लांट आएगा। बाकी जो इसका प्राइस है सेम प्राइस होने वाला, कितना? 180। बिल्कुल 180 में फ्रेंड ये वाला ऑल टाइम मैंगो भी आपको यहाँ मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया फ्रूटिंग में थोड़ा फर्क होगा। हाँ। या आम जो आएगा उसमें फर्क होगा थोड़ा। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लीची का प्लांट। लीची का? हाँ बिल्कुल, लीची का प्लांट, बहुत ही बढ़िया। जैसे तो कि मेरे पास आपको वैरायटी के मुकाबले में जैसे सारी वैरायटी मिलेगी फ्रूट्स में। हाँ जी हाँ जी, कोई ज्यादातर हर जगह नहीं मिल पाएंगे आपको, लेकिन यहाँ आपको सारी वैरायटी अवेलेबल है। बाकी मैं आप जो लेकर आया हूँ लीची का प्लांट देख सकते हो आप, आगे इसकी न्यू लीफ स्टार्ट हो रही है आनी। बाकी जो ग्राफ्टेड प्लांट है इस पे इसका जो हाइट मतलब जो लीची आने का टाइम होता है थोड़ा सा छोटा है, हल्का सा 4-5 फीट पे आपका इस पे स्टार्ट हो जाती है लीची। अच्छा बिल्कुल, और बाकी इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल अपना यहाँ पर हो जाती है आराम से। अच्छा, और ये जो प्राइसिंग है कितनी रहेगी? इसकी जो प्राइस है वो 120 मिलेगा, 120 रुपए। तो फ्रेंड लीची अगर आपको लेनी हो 120 रुपए में आपको मिलेगा। प्लांट की हाइट में बताऊँ आपको, लगभग 1.5 फुट की इसकी हाइट होने वाली। लेकर आया हूँ आपको एप्पल का प्लांट। ओके, एप्पल का प्लांट देख सकते हो आप, इस पे स्टार्ट हो रहे हैं, लीफ आनी स्टार्ट हो गई है, काफी लंबी हाइट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाइट भी अच्छी मिल जाएगी आपको। एप्पल की वैरायटी हर जगह नहीं मिल पाती है आपको, लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर वैरायटी आपको सारी मिलेगी। एप्पल का प्लांट हर जगह नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास है आपको, ये आपको मिलेगा 150 में, 150 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रेंड 3 फुट की इसकी हाइट और ग्राफ्टेड में, और ग्राफ्टेड है बिल्कुल, 3 फुट इसकी हाइट है, 150 में आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चकोतरा प्लांट। चकोतरा? बिल्कुल। तो फ्रेंड बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं इसपे, एक चकोतरा का प्लांट मैंने भी लगाया हुआ है अपने घर पे और काफी अच्छी इस पे फ्रूटिंग होती है। तो ये जो प्लांट है भैया, अभी इसकी हाइट लगभग 2 फुट के आसपास है,
बिल्कुल, क्या प्राइसिंग रहेगी, फ्रूटिंग कब से आनी स्टार्ट हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा? बाकी मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा, ये ग्राफिट प्लांट है चकोतरा का, फ्रूटिंग जो है वो इतने से स्टार्ट हो जाती है इसमें। अच्छा, इसमें इतने पे स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे चकोतरा तो नॉर्मल जानते होंगे मौसमी की तरह फल होता है, इसका बड़ा वाला फल होता है। जो फ्रूटिंग है इतने पे स्टार्ट हो जाती है आपके आने, बहुत अच्छा प्लांट है और हेल्दी प्लांट है ये, बाकी बढ़िया चलता है। प्राइसिंग क्या रहती है? इसका जो प्राइस है वो मिलेगा आपको 200 का, 200 रुपए में फ्रेंड्स आपको मिलेगा चकोतरा का प्लांट। अगर आप इसकी फ्रूटिंग देखना चाहते हैं कैसी होती है, तो मैंने जो प्लांट लगाया हुआ है उसकी रील मैंने बना के अपने इंस्टा पे डाल रखी है, तो विजिट करके आप देख सकते हैं। काफी बड़े बड़े उस पे चकोतरा लगे हुए हैं, आप वहाँ पे देख के चेक कर सकते हैं। मैं भी नर्सरी से लेके गया था और वो भी ग्राफ्टेड ही है। इसमें दिखा रहा हूं आपको अमरक का प्लांट, तो फ्रेंड अमरक भी आ चुका है देखिए यहाँ पे, और बहुत ही बुशी प्लांट है। नीचे की तरफ हम दिखाने चाहेंगे तो इसपे ये जो जितनी डंडी रखी है, जितनी डंडी ये खाली है, इस पे सब पे लीफ आएगी, सब पे लीफ आएगी, इसकी पत्ती झड़ गई, सारी लीफ आएगी जो है वो ग्राफ्टिंग कर रखी है। इस पे जो अमरक है वो उतने पे स्टार्ट हो जाता है। प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है और काफी लोगों को शौक होता है अमरक प्लांट का, तो लगा सकते हैं अपने अपने घर में लोग। तो ये कितने अच्छा का मिलेगा भी आपके पास? ये आपको मिलेगा 150 का, 150 रुपए फ्रेंड। लगभग 2 फुट का प्लांट आपको अमरक का यहाँ पे मिल जाएगा। दिखाने वाला हूँ आपको अंगूर का प्लांट, तो फ्रेंड अब आपके सामने आ चुकी है अंगूर की बेल, ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वैरायटी है हमारे पास, ये भी एक ग्राफ्टेड ही होती है। हाँ जी, ये भी अच्छी वैरायटी की अंगूर की बेल है। इसमें एक आती है देसी वैरायटी, तो मैं ये बताना चाहूंगा देसी वैरायटी और इसमें फर्क ये होता है, उसकी लीफ में बहुत फर्क होता है। ओके, उसकी लीफ का कलर भी और उसका डिजाइन भी थोड़ा फर्क होता है। बाकी जैसा आप देख सकते हो, ये आपका ब्लैक अंगूर है। ओके, ब्लैक वाला अंगूर है, वैरायटी बहुत अच्छी है। बाकी जो इसका प्राइस है वो 50 में आपको मिल जाएगा, 50 रुपए में। बिल्कुल, तो फ्रेंड 50 रुपए में ब्लैक अंगूर प्लांट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिखाने वाला हूँ आपको चाइना ऑरेंज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था चाइना अमरूद, उसी की वैरायटी है। चाइना ऑरेंज बोलते हैं इसको, छोटा ऑरेंज। बाकी जो है इसका जो साइज है वो नॉर्मल साइज का हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। इसको लोग यूज भी कर सकते हैं जैसे नींबू, ये भी बहुत खट्टा होता है। ओके, तो इसको भी लोग यूज कर सकते हैं, जैसे खट्टे की तरह किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी लोग लगाना काफी पसंद करते हैं। इसमें जो फ्रूटिंग है वो बहुत सारी होती है, तो अच्छी लगती है फ्रूटिंग होने, गुच्छों में पूरे इसके फल आते हैं। और देखिए यहाँ पर भी कितने सारे फ्रूट हैं प्लांट के ऊपर। तो ये कितने का प्लांट है भैया? ये वाला आपको मिलेगा 150 का, 150 में फ्रेंड मिलेगा। और प्लांट की हाइट जो है वो हाइट भी बहुत अच्छी है, लगभग 2 फुट का प्लांट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये देखो, ये देखो बुशी देखिए कितना है, ये देख सकते हैं बहुत ही बुशी प्लांट है। और 150 रुपए में आपको यहाँ मिल जाएगा और काफी इस पे फ्रूट्स आ रहे हैं। मैं दिखाने वाला हूँ आपको आमला, आमले में ये देखो ग्राफ्टिंग भी इसकी हो रखी है। हाँ जी, जैसे कि मैं हर तरीके की बात कर रहा हूँ ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टेड भी वो मेन ग्राफ्टेड ही होती है। ग्राफ्टेड वैरायटी जब तक नहीं होगी तब तक उसमें फ्रूटिंग का कोई फायदा नहीं उसको लेने का। हाँ जी, क्योंकि लोग वेट नहीं कर सकते और लोगों के घर में जगह कम है, इसके लिए वैसे लोग बोलते हैं हमें फ्रूटिंग छोटे बेचिए, तो लोग फ्रूटिंग पहले लेना पसंद करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग लिए ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट भी अच्छा है ये आमले का। इस पे जो फ्रूटिंग है वो इतने बड़े प्लांट से स्टार्ट हो जाती है। बाकी बिल्कुल जो हेल्दी प्लांट है आप लगा सकते हो उसको। क्या प्राइसिंग रहती है? इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीस से स्टार्ट हो जाता है। 100 रुपए में ग्राफ्टेड आमला यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड। हाइट जो है अभी इसकी 1 फुट की है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको नारियल का प्लांट, नारियल। बिल्कुल, काफी लोगों की डिमांड होती है कि नारियल का प्लांट नहीं मिल पाता। हाँ जी, दिखाने वाला हूँ आपको नारियल, बहुत अच्छा प्लांट है मेरे पास। और इसके साइज देखो, साइज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा साइज है, बहुत ही हेल्दी कंडीशन में भी है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विद पॉट आपको मिल जाएगा, पॉट के साथ मिलेगा। हाइट जो है इसकी लगभग 4 से 4.5 फुट की है। कितने जो प्राइस है वो 250 रुपए में मिलेगा, 250 रुपए। बिल्कुल, तो फ्रेंड 250 रुपए में विद पॉट आपको नारियल यहाँ पे मिलेगा। तो कैसी प्राइसिंग लग रही है आपको सभी प्लांट्स की, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं दिखाने वाला हूँ आपको बेर का प्लांट, बेर ग्राफ्टेड में मिलेगा आपको। जो फ्रूटिंग है इसको बोलते हैं एप्पल बेर, वो वैरायटी है ये, ठीक है। बाकी जो फ्रूटिंग है वो इतने पे स्टार्ट हो जाती है इसमें आनी, देख सकते हो आप, इसको भी ग्राफ्ट करा गया है। बाकी वैरायटी बहुत अच्छी है ये, जैसा कि मैंने कहा काफी लोगों की डिमांड रहती है कि एप्पल बेर चाहिए, तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, ये एप्पल बेर ही है। ओके, बाकी वैरायटी बहुत अच्छी है, फ्रूटिंग इतने पे ही होती है आपके पास। बाकी जो इसका प्राइस है वो आपको मिलेगा 120 में, 120 रुपए। बिल्कुल, तो फ्रेंड 120 रुपए में एप्पल बेर आपको लेना हो तो यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी भी काफी क्वांटिटी अवेलेबल है। कुछ कुछ मैं पत्तियां देख रहा हूँ अभी सूख रही है भैया, तो ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा? ये ऐसा है जैसे प्लांट्स आते हैं तो दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन लग जाते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, काफी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो उस वजह से हो जाता है। बाकी जो झड़ जाते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू ग्रो स्टार्ट हो जाती है लीफ आनी, मतलब कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, तो फ्रेंड अगर आपको बेर लेना हो तो एप्पल बेर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि और भी कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक पे भी वीडियो जल्द से जल्द मेरे चैनल पे आए। तो काफी सारे टेरिस गार्डन की वीडियो भी हमारे चैनल पे आने लगी है, तो आप उन्हें भी जरूर देखिए। सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो मैं आपको बता दूं, हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती है। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहां भी जाकर जरूर फॉलो करें। मिलता हूं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।